नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। इंडियन हॉकी टीम के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर अमित रोहिदास को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बैन कर दिया है। पर इसमें आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी, ये जिसने अमित को बैन किया वो चक दे इंडिया का एक एक्टर। आप सभी को याद होगा चक दे इंडिया मूवी आई थी, उसमें उस एक्टर ने काम कर चुके और उसी ने यहां पर लेटर जारी कर अमित रोहिदास को बैन कर दिया गया है। यानी कि अमित रोहिदास अब आपको सेमीफाइनल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, उन पर एक मैच का बैन लगाया गया। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर और कौन है वो एक्टर जो चक दे इंडिया में एक कैमियो कर चुका और आज उसने भारतीय टीम को एक सबसे बड़ी चोट दी है। तो आप सभी को पता होगा कि कल ब्रिटेन और भारत के बीच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला गया, जिसमें अमित को वहां पर ऑन फील्ड अंपायर ने स्टिक मारने के ऑफेंस में उनको रेड कार्ड जारी करके उनको पूरे मैच के लिए बाहर कर दिया। क्योंकि रेड कार्ड, पहली बात तो रेड कार्ड हॉकी में बहुत बड़ी बात होती है, वहां पर उनको रेड कार्ड देकर बाहर कर दिया गया, जिससे टीम इंडिया बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद आप सभी ने देखा कि 10 खिलाड़ियों के साथ हमारी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब उस शख्स का नाम सामने आया जिसने अमित पर पूरे एक मैच का बैन लगा दिया, यानी कि अब उस सेमीफाइनल में जो कि जर्मनी के साथ मैच होगा कल, उसमें आप सभी को खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जिस एक्टर का नाम मैं बता रहा हूं, ये चक दे इंडिया में इसका नाम है जोशुआ बट के नाम से, ये आप सभी इसके नाम से वाकिफ होंगे। इसने चक दे इंडिया में एक कैमियो रोल किया था, 2007 में ये मूवी आई थी और इसमें इसने ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम के कोच की भूमिका निभाई थी। अगर आप सभी को याद होगा ऑस्ट्रेलियाई कोच की भूमिका में जिस शख्स ने वहां पर कोच की भूमिका निभाई थी जिसका नाम था जोशुआ बट, आज उसने यहां पर जो है अमित रोहिदास को यहां पर बैन करने के लिए जो पत्र जारी किया है, जो लेटर जारी किया है उसने जारी किया। यानी कि जो अमित रोहिदास पर सबसे बड़ी यहां पर जिसने बैन लगाया या फिर जिसने लेटर जारी किया वो चक दे इंडिया का एक एक्टर रह चुका और आज उसके इस चोट की वजह से भारतीय टीम पर बहुत बड़ा असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि अमित रोहिदास ना सिर्फ भारतीय टीम के एक खिलाड़ी बल्कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है और कल जर्मनी के साथ जो ये मुकाबला है, भारत को उस मुकाबले को जीतना है ताकि वो गोल्ड मेडल जीतने की रेस में बना रहे। तो इसलिए ये कल का जो मैच है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को देखते हुए जो हमारी हॉकी इंडिया है फेडरेशन है उसने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी करी है और इसको वापस लेने की मांग कर रही है। अब उसकी मीटिंग होगी, पूरा रिव्यू होगा, देखना होगा कि क्या अमित रोहिदास पर जो एक मैच का बैन लगा वो हटाया जाता है नहीं हटाया जाता। अगर नहीं हटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका होगा इंडियन हॉकी टीम को और साथ ही आप देखें कि चक दे इंडिया में जिसने यहां पर रोल किया था आज वही सबसे बड़ा यहां में चोट देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी पूरी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज रूम पोस्ट।